पाकिस्तानी कलाकार फ्रांस में जब अटैक होता है तो वो उसकी निंदा करते हैं, उसके खंडन करते हैं, लेकिन देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, क्या चाहिए बताओ। ग्रेट है, मैं म्हटलं ना, आमचे खरे हिरो जे आहेत, हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान है। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग है, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ जो हम जो पटर पटर करते हैं, उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, थैंक यू। बोला मैंने कह दिया ना, मुझे जो कहना था मैं कह दिया। मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है, हमारी कीमत जीरो है। हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में, अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे। सर, अनेक कलाकार मुंबईत येतात, अल्टिमेटम दिलं जातं त्यांना, अशा पद्धतीने योग्य वाटतं काय ते 8-40 तासात मुंबई सोडायची वगैरे? असं कोणाला माणसे कह रही है की पाकिस्तानी कलाकारों को चुन चुन के मारेंगे सेट पे जाके, अगर वो देश नहीं छोड़ते तो, अशा पद्धतीने अल्टिमेटम दिलं जातं। मला असं वाटतं हे सरकारचं काम आहे, सरकार करेल ना, म्हणजे चुनचुन के मारेंगे वगैरे काय हे नाही, मला नाही बरं वाटत चुनचुन के मारेंगे, पण त्यांना काम देऊ नये या मताचा आहे मी आता या क्षणाला तरी। आता काम देऊ नये त्यांना, कारण काय आहे सरते शेवटी तुम्ही दोन्ही गोष्टी जर म्हणत असाल, कला कला वेगळी आणि असं नाही आहे, ज्यावेळी देश येतो त्यावेळी देश पाहिला, मग कला वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्यात शेवटी। पाकिस्तानी कलाकार को इस समय काम देना उचित है? किसको? पाकिस्तानी कलाकार। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है, वो हमको हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सुलझाएंगे, हमको उसमें, मुझे लगता है मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस वक्त उनको कहो कि भाई ये सुलझाने के बाद आपको जब आना है। देखो बॉर्डर पे हमारे जो उनकी तरफ से जो जवान हैं हमारी तरफ से तैनात होते हैं, जब जंग नहीं छेड़ी हुई होती है तब वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार होता है, लेकिन जब जंग छेड़ी जाती है तो एक दूसरे पर गोली मारते हैं। तो ये वो पर्सनल तो दोस्त दुश्मन है नहीं ना वो, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है तो करना पड़ता है, और उसमें अगर कोई गलत है तो बताओ। सर, आपकी खुद की राय ऐसी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का इस समय काम करना उचित नहीं है? मैंने बोल दिया कितने बार, क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ। वही सवाल तुम, पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीजा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए, जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा नहीं। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था, अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे इन दिस एज यू नो आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमल से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए। मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं है प्रॉपर एक्शन का? वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना तो प्रॉपर एक्शन था। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है, वो टेररिस्ट है ये कलाकार है, आप क्या मानती हैं ये कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता हमको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है।